हेलो माय डियर फेलो फूडीज, करीज टू कस्टर्ड की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं छोले आलू मसाला की रेसिपी। आप इसे लंच, डिनर या किसी भी स्पेशल ओकेजन पे बना सकते हैं। ट्राई कीजिए इस स्पाइसी छोले आलू मसाला को और अपनी सजेशंस हमारे साथ शेयर कीजिए। छोले आलू मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए छोले 300 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, पानी 3 से 4 कप, आलू 2। तड़के के लिए हमें चाहिए जीरा 1 टीस्पून, तेजपत्ता 3 से 4, स्पाइस पेस्ट के लिए हमें चाहिए अदरक 1 इंच, लहसुन 10 कलियाँ, जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 10, बड़ी इलायची 2, हरी इलायची 2। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए तेल 3 टेबल स्पून, प्याज 3 बारीक कटे हुए, टमाटर 4 पिसे हुए, हरा धनिया गार्निश के लिए, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून और नमक स्वादानुसार। हम शुरुआत करेंगे सफ़ेद छोलों को तकरीबन 8 से 10 घंटों तक भिगाने से। अब एक प्रेशर कुकर में हम सफ़ेद छोले, आलू, बेकिंग सोडा, नमक और पानी डालेंगे और तेज़ आंच पर 2 सीटी आने तक पकने देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और उसे 7 से 8 मिनट तक और पकने देंगे। प्रेशर ठंडा होने पर हम आलू को प्रेशर कुकर से निकाल लेंगे और उसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। चलिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई या पैन में तेल गरम कर लीजिए। तेल गरम होने पर कढ़ाई में जीरा और तेज पत्ता भी डाल दीजिए। जब जीरा क्रैकल करने लगे तो कटे हुए प्याज भी पैन में डाल दीजिए। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हम कढ़ाई में स्पाइस पेस्ट डालेंगे और साथ ही डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब पिसे हुए टमाटर भी कढ़ाई में डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद एक ढक्कन से उसे ढक दीजिए। हम सभी चीज़ों को तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला अच्छे से पक ना जाए और तेल ऊपर की तरफ दिखने लगे।
अब उबले हुए आलू के टुकड़े पैन में डालिए और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद उसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। टाइम आ गया है छोले और उबले हुए पानी को पैन में डालने का। आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम या ज्यादा रख सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए और एक ढक्कन से ढक दीजिए। करी में उबाल आने के बाद हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और उसे 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। आखिर में हम हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। टाइम आ गया है इस लजीज छोले आलू मसाला को ट्राई करने का। आप इसे रोटी, पराठा, नान और राइस के साथ खा सकते हैं। आप प्लीज हमारी रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने थॉट्स एंड सजेशंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, और हम जल्द लौटेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।